आते हैं हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज पे, क्या है बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने जो हाइड्रोजन एटम के बारे में, स्पेशली जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो हाइड्रोजन के ऊपर में था, हेवी एटॉमिक एटम्स के ऊपर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। और उस पर ये जो बोर का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल जो है, जो फॉर्मूला वगैरह आएगा, वो केवल हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए ही वैलिड है। ये हम लोग ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन जैसे एटम का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हो गया जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा रह सकता है, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरे सेल में एक ही रहना चाहिए, तो उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग सीखेंगे बोर का रेडियस क्या था। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसी एनर्जी लेवल में, तो n इक्वल टू 1 पे रेडियस क्या होगा, 2 पे रेडियस क्या होगा, 3 पे रेडियस क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीजें डेरिवेशन जो है हमारे सिलेबस में है, देख लेते हैं। ठीक, तो बोर्स रेडियस, एटॉमिक रेडियस, बोर्स एटॉमिक रेडियस, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैसा हो गया? जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम प्लस प्लस, क्यों? लिथियम में तीन होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन हट गया तो प्लस प्लस, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। हीलियम की बात करें तो हीलियम प्लस, कि दो था एक हट गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, ऐसे इसके लिए ये वैलिड होगा, और बाकी के लिए वैलिड नहीं होता है, थोड़ा एरर आ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एटम का जो मॉडल है वो ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि जेड जो है एटॉमिक नंबर है, तो इसमें यहां पर जो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जेड ई होगा। ठीक है, टोटल प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो जेड ई होगा, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है किसी एक ऑर्बिट में। मान लेते हैं कोई भी एक ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है जिसका वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो मान ही सकते हैं हम। अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट हो रहा है भाई, तो इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और ये वेलोसिटी है, तो इसको वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मिल रहा है। मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो उसको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए कहीं ना कहीं से सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, और यहां पर वो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कहेंगे कि सर इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, सोचिए दिमाग में क्यों नहीं लेते हैं, खुद से सोचिए, नहीं है तो फिर आप में जाकर के डाउट में पूछिए, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो क्या इक्वेशन बनना चाहिए, तो बनना चाहिए कि एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही तो बनना चाहिए, यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो राइट हैंड में लिखा हुआ है। और फोर्स इलेक्ट्रिक क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर जाकर के प्रॉब्लम होता है कि अब क्या लिया जाए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैट का चीज है, अब एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज प्रोटॉन है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, इसलिए एक जेड ई हो गया और एक ई हो गया, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कर दी, क्लियर है। अब एक आर से एक आर को कैंसिल कर दी, अच्छा चलेगा यहां से, ये तो एक इक्वेशन मिल गया हमारे पास। एक और इक्वेशन निकालना होगा जो कि पोस्टुलेट्स में दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एनएच बाई टू पाई के बराबर होना चाहिए, तो वहां से हम लोग निकालते हैं कि एल इक्वल टू एनएच बाई टू पाई, नहीं एल इक्वल टू एनएच बाई टू पाई, कहां से आया ये, वहां से आया, इसका मतलब कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। इक्वेशन वन को थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, देखिए तो इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जा रहा है एम वी आर टाइम्स वी, ये हो रहा है ना, तो एम वी आर को एनएच बाई टू पाई कर देते हैं तो वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एम वी आर इक्वल टू एनएच बाई टू पाई ही लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू हो गया जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी आर, नीचे आ गया एम वी आर मतलब कि एन एच बाई टू पाई, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से वेलोसिटी आ गया हमारे पास, देखिए वेलोसिटी का जो है
वो एक्सप्रेशन आ गया, कितना आ गया 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट गया, ये आ गया ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट, मैंने इसको हम लोग लिख सकते हैं ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच और जेड बाई, ये एन को बाहर लिखते हैं, जेड बाई एन क्यों लिखें ये बाहर, दिमाग लगाइए, इसलिए कि ये चीज जो है ना वेरिएबल है, एटम से एटम वेरी करेगा और बाकी जिसको एक साथ लिखा वो वेरी नहीं करता है, ठीक है। ये तो सारे एटम के लिए सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो, एप्सिलॉन का वैल्यू हो या एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हो, नहीं वैली करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस चीज को, v इक्वल टू सम v जीरो टाइम्स जेड बाई एन, ये लिख सकते हैं, v जीरो इसका वैल्यू है, क्लियर। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया v इक्वल टू v जीरो जेड बाई एन, और अगर अगर प्रॉपर वैल्यू पुट किया जाए, जो कॉन्स्टेंट मैंने v जीरो लिखा है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ e एप्सिलॉन नॉट एच, आप खुद से निकाल के देखिए, ये सारा वैल्यू पुट करिएगा तो आपको पास जो v0 का वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.13 × 10⁶ के बराबर आता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हालांकि ठीक है, याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी रखिएगा तो जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगा वो सम कॉन्स्टेंट इंटू जेड बाई एन होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको याद रखना है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रेडियस निकालने चले थे, वेलोसिटी पहले निकाल दिए, कोई बात नहीं है। अब हम रेडियस की तरफ चलते हैं, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, क्या है ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर के बराबर है। तो r इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस की बात कर रहे हैं, तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खुद से प्रूफ कीजिएगा इसको, राइट, डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर, तो m और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, ठीक है, v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, nh बाई 2 पाई mr, v स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये e स्क्वायर बाई 2 epsilon naught h, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, ये एन स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू तो 4 आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर में एप्सिलॉन नॉट आएगा, एक दिख रहा है यहाँ पे, एन स्क्वायर एक जेड कट जाएगा तो एन स्क्वायर बाई जेड बच रहा है, मास आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ रहा है वो आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ऊपर में करके देखिए, डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, एम ई स्क्वायर बढ़ जाएगा, बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर में स्क्वायर है नीचे में, तो जो भी है ये आएगा और साथ में आएगा एन स्क्वायर बाई जेड। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर जीरो एन स्क्वायर बाई जेड, क्यों आर जीरो क्यों लिखें, सेम कॉन्सेप्ट कि ये सारा चीज तो एटम पे एटम डिपेंड नहीं करता है, तो इसको कॉन्स्टेंट मान लिया जाए, ठीक है। और अगर वैल्यूज पुट करिएगा एप्सिलॉन नॉट का, एच का कितना वैल्यू होता है सब याद कीजिए, सारा वैल्यूज पुट कीजिए तो आप पाइएगा कि इसका वैल्यू हो जाता है 0.0529, ठीक है, आर एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन में आया, एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻¹⁰ मीटर में आया, तो ये एंगस्ट्रॉन में वैल्यू आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको काम आने वाला है आगे, रेडियस nth रेडियस आया, nth ऑर्बिट में अगर कर रहा हो चक्कर लगा रहा हो इलेक्ट्रॉन तो उसका रेडियस क्या होगा, तो इन्हीं सब रेडियस में वो रहेगा, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला, r = rn = r₀ एन स्क्वायर बाई जेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हो गया न्यूमेरिकल हैंडल करने के लिए, क्लियर है। ये जैसे v आया उसी तरह r आ गया, आप सबका वैल्यू पुट करके आर जीरो का वैल्यू निकाल के देखिए, वैल्यू पुट कीजिए किसका, h का, कितना है 6.6 × 10⁻³⁴ होता है ना SI यूनिट में, इसी तरह से e का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ आपको पता है कूलम SI यूनिट में होता है ना, और क्या वैल्यू है h है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखिए कितना होता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज पुट कीजिए, एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा
मास का वैल्यू रखिए, ठीक है, ये सब देख करके वैल्यू रखते जाइए और क्या वैल्यू बन गया। तो ये सारे वैल्यू रखने के बाद आपको वो वैल्यू आ जाएगा, आर जीरो का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कितना है। एक बार मेहनत कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, खुद से कीजिए। अच्छा, एक चीज क्लियर हो गया, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, आर जीरो एन स्क्वायर बाई जेड। अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें और हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू वन, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल में देखेंगे, जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, नॉट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, रिलैक्स्ड स्टेट, तो उसमें हाइड्रोजन एटम देंगे जेड का वैल्यू वन हो जाएगा, एन का वैल्यू वन होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस है अगर पूछेगा हाइड्रोजन एटम में तो कितना है, 0.0529 एंगस्ट्रॉम, सिंपल बात है। अगर हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब ही है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब सेम चीज है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी सेल्स में यानी 1, 2, 3 सब में चक्कर लगा रहे हैं ये, तो इनका एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी होगा, एनर्जी का मतलब हो जाएगा एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, और तो कुछ नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन आप बताइए। और जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ले रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो कैसा क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब भाई वी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं कॉन्स्टेंट के टर्म्स में, तो हाफ एम और वहां से जब वी का वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करिए तो देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, तो आएगा 1/8 एम जेड स्क्वायर ई फोर टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर वी का वैल्यू वहां से पुट कर दिए हैं, तो एक चीज ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड ई प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, क्यू वन क्यू टू माइनस हो गया, माइनस 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर, यू नो गजी। और आर का वैल्यू कितना रख देंगे, आर का वैल्यू उसके टर्म में वहां से उठा करके पुट कीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। आर का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड, ये आर का वैल्यू उस साइड से पीछे से लेकर के हम डाल रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आपको पाई पाई कट जाएगा, -1/4। इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग चीज यही है कि -1/4 जेड स्क्वायर ई फोर एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर ऑफ 4m, देखिए सॉल्व करके पॉज करके इसको खुद से कीजिए, ऐसा नहीं कि केवल सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर ऑफ 4m डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसको और इसको, तो क्या पता चलेगा आपको ध्यान से देखने पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो है -2 times काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखिए। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करेंगे तो वो 2 times काइनेटिक एनर्जी हो जाए, क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है ये चीज क्लियर हो गया। और टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी तो कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। तो इस इक्वेशन से, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इससे हम लोग अगर एक काइनेटिक एनर्जी माइनस को लेफ्ट हैंड में ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है, माइनस काइनेटिक एनर्जी रह जा रहा है राइट हैंड साइड में। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी जो हो गया वो माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, क्या इंटरेस्टिंग चीज है ना, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो है -2 times काइनेटिक एनर्जी, वो तो ऊपर दिख ही रहा है, ठीक है, ये जो भी कॉम्बिनेशन है तो देख लीजिए। लेकिन ये चीज याद रखिए कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये, एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 times टोटल एनर्जी, ये भी हो जाएगा यहाँ से इस वाले से देखिए, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू
टू टाइम्स टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से इसको समझ लेना है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है, उनका एक्सप्रेशन सेम है, केवल 1/2 का फर्क है या 2 टाइम्स का फर्क। तो ये चीज समझ में आ गया। अब टोटल एनर्जी का वैल्यू, टोटल एनर्जी का वैल्यू कि इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन जो हम निकाले हैं उसमें एन और जेड को बाहर रखते हैं और इसको एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं जिससे कि ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में निकल के आए, तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये है ना, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/8 एम ई टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये लिखेंगे। तो इसको हम लोग माइनस ई जीरो बोल लेते हैं, ठीक है, ई जीरो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ई जीरो का वैल्यू सब वैल्यू पुट करिए तो ई जीरो का वैल्यू जो आता है ना वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आता है। अब ये जो है ना, ये तो ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ये एनर्जी है nth लेवल का, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए nth लेवल का जो एनर्जी है वो ये है, nth ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपका, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रहे, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। क्लियर है? अब मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट की अगर बात करता है तो जेड का 1 पुट कर दिए, एन को भी एन पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, तो 13.6 ही बच गया। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रहेगा, रट लीजिए इसको दिमाग में, बिल्कुल बैठा लीजिए, हम रटने नहीं बोलते नॉर्मली, लेकिन ये आपको याद रखना होगा अगर आपको टाइम बचाना है आसानी से। आप बैठ करके पता चला कि पूरे एग्जाम में इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसी को डिराइव करने बैठ गए, तो साइंटिस्ट तो बनना नहीं है यहाँ पे अभी तुरंत, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एनर्जी लेवल डायग्राम को एक बार और समझ लेते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम को एक बार और समझ लेते हैं। ये जो हमने दिखाया था आपको, इसको याद कीजिए, कौन सा, ये जो दिखाए हैं ऐसे ऐसे करके, ये सब क्या है, इस तरह से एनर्जी लेवल्स हैं। इसी एनर्जी लेवल्स को क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में ढंग से बता रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक एनर्जी लेवल जो है ये यहाँ पे है, ये n इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन के लिए ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है, सबका ग्राउंड स्टेट अलग अलग, अनएक्साइटेड स्टेट अलग अलग होगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 ही होगा किसी भी एटम के लिए, और दूसरे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, जैसे ये n इक्वल टू 2 है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्लियर है। ये अगर और ऊपर चला गया तो ये n इक्वल टू 3 हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये n इक्वल टू 4 हो गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये n इक्वल टू 5 हो गया, ये n इक्वल टू 6 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कुछ चीज है कि जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी गैप जो है ना, हर ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, ध्यान दीजिए, और यही होता है, एनर्जी गैप घटते जाता है, ठीक है। एनर्जी लेवल की, एनर्जी की अगर बात करें तो इसका हमें पता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी अभी देखे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद वाले एनर्जी की बात करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ये आता है माइनस n इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है इसमें। इसके ऊपर चले जाइए तो माइनस 1.51 आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके ऊपर चले जाइए तो माइनस 0.85 आ जाता है। तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चलते रहेगा, और जब कब जाकर के ये प्लस कब होगा, प्लस कभी नहीं होता है, जब इंफिनिटी पे चले जाइएगा, इंफिनिटी पे तो एनर्जी जो होता है वो जीरो हो जाता है, पोटेंशियल ये टोटल एनर्जी, समझे, इंफिनिटी पे जीरो हो जाता है, क्योंकि इंफिनिटी काइनेटिक भी नहीं, पोटेंशियल ये मान के चलिए, क्लियर है, टोटल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है जंप करता है किसी एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में, तो वो पैकेट्स में एनर्जी छोड़ता है, पैकेट्स में, इसलिए एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ता है जो एमिट करता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक पैकेट ले लिया ऊपर चला गया, कितना बड़ा पैकेट है उस पर डिपेंड करता है, छोटा पैकेट लिया तो यहां से यहां जाएगा, या यहां कहीं इलेक्ट्रॉन है तो यहां जाएगा, बड़ा पैकेट ले लिया तो पता चला उछल के एक ही बारी में यहां चला गया। तो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हमें जानना है कि क्या होगा। तो जब भी मान लेते हैं कि एनर्जी n1 से n2 में, किसी भी n से किसी भी n में जंप करेगा, तो वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू आपका हो जाएगा E डेल्टा E, एनर्जी जो हो रिलीज या एब्जॉर्ब जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6, ठीक है,
-13.6, और उसके बाद क्या करेंगे, जेड स्क्वायर, जेड तो दोनों में सेम रहेगा, डिवाइड बाय एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, माइनस की जगह डिफरेंस लिखते हैं, क्यों, माइनस जेड स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर, डिफरेंस इसलिए लिखें कि हमें एनर्जी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब जेड -13.6 जेड स्क्वायर लिख सकते हैं 1/N1² -1/N2², ये एनर्जी होगा। और ये एनर्जी एन वन एन टू क्या है, डिपेंड करता है किससे किस में जंप कर रहा है। अब ये जो एनर्जी लेवल्स है ये डेल्टा ई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एमिट या रिलीज हो रहा है। तो -13.6 जेड स्क्वायर और ये 1/N1² डिफरेंस 1/N2², ये हो गया, क्लियर है। अब एच न्यू को हम लोग एच सी बाई लैमडा भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लैमडा इक्वल टू -13.6 और जो भी है लिखिए, क्लियर है, लिखिए लेते हैं, कितना हो जाएगा -13.6 1/N1² डिफरेंस 1/N2², यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रहे, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो मेरा न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या किया जाए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बताया है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि अगर इसको 12400 के आसपास रखें और लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉन में रखें या आंसर एंगस्ट्रॉन में रहे, तो ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए किया जा रहा है, क्लियर। ये तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपको तुरंत आ जाएगा, क्योंकि एच सी का वैल्यू अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन में हो तो इतना आता है, तो लैम्डा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा आपका। और ये इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसान मदद करेगा। तो एनर्जी लेवल क्लियर हो गया कि ये एनर्जी लेवल्स हैं ये सारे, ये ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड से सेकेंड स्टेट से, तो ये दौड़ के ऊपर जंप करके जा सकता है या कहीं से भी नीचे आ सकता है। तो बोर्स एटमिक मॉडल से स्पेक्ट्रल लाइन को समझाया जा चुका है अच्छे से, और ये अच्छे से समझा दिए कि ये जो पैकेट्स में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं ना, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, बहुत आसान है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन द ट्रांजिशन व्हेन n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैमडा, ये हमने देखा अभी अभी, और ये -13.6 और डिफरेंस ले लीजिए तो 1/2² -1/3², पॉजिटिव लेना इसलिए बड़े को मैंने पहले लिखा है, और इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ रख दीजिए 12400 डिवाइड बाई लैमडा जो कि एंगस्ट्रॉन में होगा, ये आ जाएगा -13.6 और इसको करिएगा तो 1/4 -1/9, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 5/36, ठीक है। अब इसको लैम्डा के लिए सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, सॉल्व करिए तो ये अप्रोक्सीमेटली 620 आ रहा है एंगस्ट्रॉन, ठीक है, इसका जिस ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया और रियल वैल्यू जो आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा है 654 नैनोमीटर, ठीक है, ये 620 आ रहा है नैनोमीटर में अगर करेंगे तो, और अदरवाइज ये 654 है, तो इतना का ही अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं, क्लियर है। इसी तरह से इसका सॉल्व कीजिए, n इक्वल टू 4 to 5, 10 to 9, ये सारा सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हीलियम आयन, क्यों दिया हीलियम आयन, इसलिए कि हाइड्रोजन लाइक एटम में ही वैलिड होता है, इन द स्टेट n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 4, n इक्वल टू, ये सब रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल लेते हैं, आर एन क्या होता है, आर एन इक्वल टू आर जीरो, क्या था आर जीरो, याद कीजिए एन स्क्वायर बाई जेड, रेडियस की जब बात करेंगे तो आर जीरो का वैल्यू 0.0529 है एंगस्ट्रॉन में, और यहाँ पर एन स्क्वायर बाई जेड, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, और एन का वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो 1/2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 0.0526 के आसपास आना चाहिए एंगस्ट्रॉन, ठीक है, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। फिर एनर्जी की बात कर रहा है, इसमें मान लेते हैं ये हो गया, एनर्जी की बात कर रहा है तो एनर्जी है E इक्वल टू -13.6 क्या होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू अगर 1 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 54.4 आ जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट एकदम इंपॉर्टेंट है, यूनिट को एकदम ध्यान देना है,
क्योंकि ये जो अप्रोक्सिमेशन माइनस 13.6 वैल्यू आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रिपेयर्ड इन एन इक्वल टू 4 स्टेट, लिस्ट द वेवलेंथ्स दैट आर एमिटेड एज द एटम्स मेक्स ट्रांजिशन एंड रिटर्न्स टू 2। अब एन इक्वल टू 4 से भाई साहब एन इक्वल टू 2 पे लौट रहे हैं, एन इक्वल टू 2 है, यहाँ एन इक्वल टू 3 होगा कहीं और यहाँ एन इक्वल टू 4 ले लेते हैं समझने के लिए। अब जब ये जंप करेगा तो यहां से यहां जंप करेगा, यहां से यहां भी कर सकता है और यहां से यहां भी कर सकता है, क्योंकि बीच में कहीं से कहीं जंप करेगा, हो सकता है 2 स्टेप में आए। तो ये तीनों के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो निकाल लीजिए लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है, एच सी बाई लैम्डा 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 13.6, माइनस नहीं लिखते हैं ठीक है, माइनस हटा देते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, 13.6 और एनर्जी जंप कराइए 4 से 2 में, तो 1/2² माइनस 1/4² और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए ठीक है। और इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 12400 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 12400 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, डिवाइड बाई लैम्डा इक्वल टू 13.6 और ये 1/4 माइनस 1/16 ठीक है, ये करिएगा तो यहाँ से लैम्डा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा वो आपका 4862 एंगस्ट्रॉम आता है, क्लियर है। इसी तरह से दूसरे वाले का निकाल सकते हैं आप ठीक है, 12400 डिवाइड बाय लैम्डा 2, ये मान लेते हैं लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 और ये सेम चीज रख लीजिए 13.6 और कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, 4 से 3 में कर रहा है, तो 1/9 माइनस 1/16 कर लीजिए ठीक है, ये 7/144 हो जाए, वैल्यू पुट कीजिए लैम्डा 2 का वैल्यू, ये खुद करके देखिए प्लीज, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरे सॉल्व कर देने से कुछ नहीं होने वाला है, आप वीडियो को पॉज कीजिए खुद से कीजिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसका वैल्यू लैम्डा 2 आ जाएगा कि कहीं से एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, फिर लैम्डा 3 निकालिए सेम तरीके से, क्या था इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मैं कुछ एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ उसको जरूर याद रखना है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में जो है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। फाइनली मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ऐप के अंदर में, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो तो डाउट क्लियर कीजिए, लेकिन परम गुरु एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिएगा तो उससे आपको मल्टीपल फायदा होगा ठीक है। नोट्स, थ्योरीज, ये सारे चीज़ वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।